पहले जाट महाकुंभ हुआ और अब ब्राह्मण महापंचायत हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है इसका उद्देश्य, इसके पीछे क्या है? जी, मैं दीपक भारद्वाज विप्रो वाहिनी से सदस्य हूँ। जाट महाकुंभ हुआ था, उन्होंने अपने समाज की यहाँ पर ब्राह्मण समाज, जो कि एक राष्ट्र को दिशा देने वाला समाज है। प्राचीन काल से ही हमारा समाज सदैव विश्व गुरु रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमारा समाज कुछ पिछड़ गया था और जो राजनीतिक दल हैं वो हमें कम महत्व दे रहे थे। इसी के तहत आज हम अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और हम संदेश देना चाहते हैं कि ब्राह्मण कोई भी किसी से कम नहीं है और सदैव राष्ट्र को दिशा देने वाला रहा है और आगे भी हम राष्ट्र को दिशा प्रदान करेंगे। ब्राह्मण सदा बटे रहे हैं, तो इस महापंचायत जो प्रोग्राम है इसके तहत क्या आप सारे ब्राह्मणों को एक करना चाह रहे हैं? जी सर, इस महापंचायत का उद्देश्य ब्राह्मणों को एक करना ही है और ये संदेश है सभी राजनीतिक दलों को, राष्ट्र को, कि ब्राह्मण एक हो चुका है और हम अब राजनीति में पिछड़े हुए नहीं हैं और हम उपेक्षा नहीं सहेंगे। अब आपको क्या लगता है इस चुनाव में ब्राह्मण भाजपा के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे? देखो जो ब्राह्मण हितैषी है हमारे हितों के लिए कार्य करेगा, हम उसके साथ हैं। हम उसी के साथ जाएंगे। किसी पार्टी के बंधे हुए नहीं है, जो पार्टी ब्राह्मण हितों की बात करेगी उसी के साथ ब्राह्मण जाएंगे। आगामी चुनाव में आप मुख्यमंत्री के चेहरे को किस रूप में देखना चाहते हैं? पायलट के रूप में, गहलोत जी के रूप में या वसुंधरा जी के रूप में? हम ब्राह्मण के रूप में देखना चाहते हैं। जो ब्राह्मणों को समर्थन करेगा हम उसके साथ जाएंगे। जो भी राजनीति, सीएम भी ब्राह्मण होना चाहिए, राजस्थान का सीएम भी ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि राजनीति के हस्ते में ब्राह्मण समाज पीछे होती जा रही है, जिस वजह से ब्राह्मण समाज एक ही मांग करती है कि राजस्थान का सीएम भी ब्राह्मण हो और भारत का पीएम भी ब्राह्मण हो। राजनीति में ब्राह्मण को उचित स्थान दिया जाए, तब यह ब्राह्मण उसी सही पार्टी के साथ जाएगा जिसका ब्राह्मण के साथ होगी। आप देख रहे हैं पीछे कितनी भीड़ है और दूसरा आप देख रहे हैं विद्याधर नगर स्टेडियम में, यहाँ पे इतनी भीड़ है कि विद्याधर नगर स्टेडियम भी छोटा पड़ गया है। ब्राह्मणों का महापंचायत में इतनी भीड़ है।